फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे बैक आउट, बैक अवे एंड बैकअप में क्या डिफरेंसेस हैं। ऑल दीज आर फ्रेजेस, ये सब फ्रेजेस हैं। बैक अवे का मतलब होता है फ्रेंड्स धीरे धीरे पीछे हटना, डर कर पीछे हटना, तो उसे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं बैक अवे। बैक आउट का मतलब पीछे हटना, मतलब मुकड़ जाना, जैसे किसी ने बाद में पीछे हट गया तो उसके लिए इंग्लिश हम यूज़ करते हैं बैक आउट। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी का साथ देना, राइट। जैसे आपने कहा कि when he took his gun out, everybody backed away nervously. जब उसने अपनी बंदूक निकाला, सभी लोग डरकर पीछे हट गए, तो वहाँ पे यूज करेंगे back away. We backed away to see the lion. लायन को देखकर हम लोग धीरे धीरे पीछे हट गए, तो वहाँ पे इंग्लिश यूज करेंगे फ्रेंड्स back away. Back out का मतलब पीछे हटना, मुकरना। जैसे आपने कहा कि earlier he promised to help us, but he backed out when he found the problem to be difficult. जब उसने प्रॉब्लम देखा कि बहुत बड़ी है, डिफिकल्ट है, तो वो पीछे हट गया, तो बैक्ड आउट। जैसे आपने कहा कि अर्लियर ही टोल्ड मी टू गिव मी द मनी, बट ही बैक्ड आउट लेटर। बाद में वो पीछे हट गया, मुकड़ गया। पहले उसने वादा किया था पैसे दूंगा, बट बाद में वो पीछे हट गया, तो उसके लिए फ्रेंड्स यूज करते हैं बैक आउट। वट एवर यू आर प्रॉमिसिंग, यू नो यू शुड नॉट बैक आउट। जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो ना, बाद में पीछे मत हटना, तो वहां पे यूज करेंगे फ्रेंड्स बैक आउट। एक होता है बैकअप, बैकअप समझते हैं सपोर्ट करना, किसी का साथ देना। जैसे आपने कहा कि माई फादर ऑलवेज बैक्स मी अप इन एवरी सिचुएशन। मेरे फादर हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, बैकअप देते हैं मुझे, मुझे मेरा सपोर्ट करते हैं हर सिचुएशन में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैकअप। जैसे आपने कहा कि डोंट वरी इफ ही डजंट बिलीव यू, आई विल बैक यू अप। अगर वो आपको बिलीव नहीं करता, आप पे भरोसा नहीं करता, तो मैं आपका बैकअप, मतलब मैं आपका साथ दूंगा, तो वहाँ पे फ्रेंड्स यूज करेंगे बैकअप। सीखना है इंग्लिश तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।